तो मैं आ गया वहाँ पहाड़ी वाले पे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लोग बांध के जाते हैं, किसी की शादी नहीं हो रही तो शादी के लिए इसे कहते हैं दूध का गर्रा टा लाड लो उठा गर्रा। राम जी, मैं आपका अपना दोस्त करमवीर चौहान आपके अपने YouTube चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्या हाल है अपना? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, करते हैं आज एक नए व्लॉग की शुरुआत। और दोस्तों, आज ये व्लॉग मैं ऐसी जगह से लेके आ रहा हूँ जहाँ से हमारी बहुत ज़्यादा आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे स्थान का नाम है बाबा पहाड़ी वाला। दोस्तों, आज संडे है और बाबा पहाड़ी वाले पे मेरे को जोत जलाने जाना है, तो दोस्तों चलते हैं बाबा पहाड़ी वाले पे। मैं आ गया हूँ बाबा पहाड़ी वाले पे, अभी मैं नीचे हूँ और पैड़ियाँ चढ़ूंगा, फिर आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ। तो मैं आ गया हूँ बाबा पहाड़ी वाले पे और ये कुछ दोस्त बैठे हुए हैं बच्चे, और अभी तो मैं बीच में ही हूँ, पूरा ऊपर नहीं पहुंचा हूं दोस्तों, और ऊपर पहुंच के मैं आपको दिखाता हूं। और ये बीच में से सीन ये है, बाबा की बहुत ज़्यादा चढ़ाई है भाई। दोस्तों, बाबा पे जाएं तो हमेशा चप्पल जूते उतार कर जाना चाहिए। ऐसा सीन है बाबा का पहाड़ी वाले की और बाबा की इस मंडी का ये सीन है। दोस्तों, यहाँ पे जोत जलाते हैं, देख सकते हो आप। और एक मंदिर है, ये नीचे रह गया जो कि मैं आपसे बताना भूल गया दोस्तों। और यहाँ से ये गांव बैरमपुर ऐसा दिखाई देता है, और आपको दिखाई दे रहा होगा पानी भी दिखाई दे रहा है यहाँ से। और ये सीन है दोस्तों, ये बीच में है अभी हम, ये मंडी जो बाबा की है। बाबा का बीच का स्थान जहाँ पे जोत जलाते हैं वो ऐसे कुछ है। ये सीन है बाबा का, यहाँ से बाबा की बीच वाली मंडी से देखिए दोस्तों कितना अच्छा दृश्य लग रहा है। बच्चे जा रहे हैं नीचे और जो जलाने वाला स्थान है मैं वहाँ पे हूँ। हालांकि पहाड़ी पे पूरा नहीं चढ़ा हूँ, ऊपर वाले स्थान पे नहीं हूँ, मैं बीच वाले पे हूँ, पर पसीने आ गए हैं दोस्तों मेरे। और ये वो स्थान है जहाँ पे बाबा की जोत जलाई जाती है। दोस्तों, देख सकते हैं आप, मैं यहीं पर जोत जलाऊँगा और बाबा की पहले घंटी बजा देते हैं दोस्तों, और मैं जोत जलाता हूँ। और मैंने दोस्तों बाबा की जोत चढ़ा दी है और अब प्रसाद चढ़ाऊंगा।
चलते हैं आगे की तरफ बाबा के स्थान पे और देखिए आप एक और आ गया बाबा का स्थान। दिखाई दे रहा होगा आपका दोस्तों, अड़ीवाले की जय। दोस्तों यहाँ पे मैं दोस्तों सीढ़ियाँ बहुत चढ़नी रह रही हैं, चलते हैं। देखिए आप और ये ऊपर जो स्थान दिखाई दे रहा है वो बाकी सबसे आगे वाली मंडी है, सबसे प्राचीन। दोस्तों ऊपर से डराऊ मैं अभी, बाबा का एक स्थान ये और है जो कि बीच में पड़ता है बाबा की प्राचीन मंडी के बीच में, दिखाता हूँ आपको अंदर से। दोस्तों अंदर का देखिए, जय बाबा पहाड़ी वाले की जय। पहाड़ी वाले के चरणों में आके बड़ा सुकून मिल रहा है और बहुत अंदर से बढ़िया वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैं घर से चला तब मेरी तबीयत थोड़ी ही अच्छी नहीं थी, थोड़ा जुकाम सा हो रहा था, बट यहाँ तक आते आते बिल्कुल फिट हो गया मैं। और इसको कहते हैं सच्ची आस्था। और दोस्तों चलते हैं आगे और बाबा की प्राचीन मंडी तक चलेंगे। दोस्तों बाबा की प्राचीन मंडी वो दिखाई दे रही है, वहाँ तक आ लिया हूँ मैं। और बीच में एक स्थान और पड़ता है बाबा का, वो आपको और दिखाऊंगा, ये रहा। और इसको चलते हैं दोस्तों, बाकी प्राचीन मंडी से पहले ये स्थान और पड़ता है और यहाँ पे लोग बाग अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर चद्दर चढ़ाते हैं, या जिसकी शादी वगैरह होती है तो वो चद्दर चढ़ाते हैं यहाँ पे। ये वो स्थान है दोस्तों, और मेरे बाबा पहाड़ी वाले की बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करना। और ये स्थान है वो दोस्तों जहाँ पे चद्दर चढ़ाते हैं। तो चलते हैं अब आगे, बाबा की प्राचीन जो सबसे पुरानी मंडी है उस पे आ गए हैं। और देखिए आप, ये है सबसे प्राचीन मंडी बाबा की, लगभग हजारों वर्ष पुरानी है ये। और कहा जाता है कि ये बंजारों की बनवाई हुई है, ये जो स्थान है ये बंजारों का बनवाया हुआ है हजारों वर्ष पहले, और इससे बहुत लंबी लंबी कहानियाँ और कथाएँ जुड़ी हुई हैं दोस्तों, जो कि मैं अब इस ब्लॉग में नहीं बता सकता क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से बाबा की मंडी प्राचीन कैसी लगती है, क्योंकि ये है प्राचीन बाबा की मंडी जो कि लगभग हजारों वर्ष पुरानी है दोस्तों। और देखिए आप, पहाड़ी की चोटी पे है बिल्कुल, और यहाँ से सब कुछ देखिए आप, गांव कितना छोटा नजर आ रहा है। ये बहरमपुर गांव है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, और आगे आप देख सकते हैं पानी पानी दिखाई दे रहा है, हमारे गांव तक अड़ा हुआ है पानी। और ये बाबा की मंडी है, पहले बाबा के पुरानी मंडी के जो स्थान है वहां पर चलते हैं दोस्तों, और वहां पे प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। जय हो मेरे बाबा पहाड़ी वाले की जय। दोस्तों मैं फाइनली आ गया हूँ बाबा की सबसे प्राचीन जो मंडी है वो ये है, और यहाँ पे मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा बाबा की। और दोस्तों मैं प्रसाद चढ़ाता हूँ बाबा, और अन्न चढ़ा रहा हूँ दोस्तों। जोत यहाँ पे इसलिए नहीं चढ़ा पाते क्योंकि यहाँ पे हवा जो है बहुत तेज चलती है और जोत को यहाँ पे बुझा देती है, इसलिए यहाँ पे प्रसाद ही चढ़ाते हैं। बाबा की मंडी में मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है, और मैं आपको प्राचीन समय में कैसे बनाते थे दोस्तों, ये हजारों साल पुरानी है और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। हजारों साल पुरानी मंडी है बाबा की, और अब तक ज्यों की त्यों है, और पहाड़ी की चोटी पे है दोस्तों। तो जो मिस्त्री थे, बनाने वाले कलाकार ही थे जिन्होंने ऐसी मंडी बनाई बाबा की, जो अब तक यूं ज्यों की त्यों है। तो दोस्तों ये बाबा की धुनी, यहाँ पे बाबा धुना लगाते थे, और यहाँ से देखिए आप कैसा दिखाई दे रहा है।
वहाँ पानी दिखाई दे रहा है, उस साइड हमारा गांव पड़ता है। अब धागे बंधे हुए देख रहे हैं, ये अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लोग बांध के जाते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही तो शादी के लिए बांध के जाता है, जिसको नौकरी नहीं मिलती वो नौकरी के लिए बांध के जाता है, और अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद इसको खोल के जाते हैं। दोस्तों एक छोटा पेड़ है शायद खैर बोलते हैं, और इस पे ये धागे बंधे हुए हैं दोस्तों। और चलते हैं दोस्तों नीचे की तरफ और मैं आपको दिखाऊंगा। चलते हैं दोस्तों नीचे। ऊपर से ये नजारा है, और बहुत ही अच्छा लगा बाबा पे आके, और अंदर से फील हुआ है दोस्तों ऐसे स्थान पे जाना चाहिए जहाँ पे मन की आस्था जुड़ी हुई हो, और इसीलिए आया था मैं दोस्तों। बीच में आ चुके हैं। दोस्तों मैं लगभग नीचे आ गया हूँ, और डाल दिया है बाबा पे ऊपर डालना अनाज को भूल गया था, और मैंने नीचे आके डाल दिया। ऐसी गलती आप ना करें जो कि मैंने की, बट अब भी ध्यान में आ गई मेरे। फाइनली नीचे आ गया हूँ, और बहुत ही अच्छा लगा बाबा पहाड़िया पे आके। और दोस्तों अब चलते हैं घर, और मन से बहुत ही अच्छा फील हुआ है दोस्तों। और ऐसे स्थान पे हमेशा जाना चाहिए सभी को, जहाँ पे मन को शांति मिलती है, और मेरे यहाँ आने के बाद मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिली है। और दोस्तों बहुत ही अच्छा फील हुआ है अंदर से। आपको कैसा फील हुआ दर्शन करके बाबा पहाड़ी वाले के, आप भी बताना। और अब चलते हैं दोस्तों घर। इसे कहते हैं दूध का गर्राटा लाड लो, उठा गर्राटा। मैं पहाड़ी वाले पे से आ गया था, आकर फिर मैं प्लॉट में गया और भैंसों का दूध निकाला, और अब घर पे आया हूँ दोस्तों। और बाबा पहाड़ी वाले पे जाके बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, दिल से फील हुआ।
और आपको अपना व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना दोस्तों। अगर अपना चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कृपया करके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को प्यार भरी राम राम।